नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में अध्ययन करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में अंतर, और फंड फ्लो स्टेटमेंट और आय स्टेटमेंट में अंतर, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में टिप्पणी के रूप में अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो यूनिट संख्या सेकंड का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण में क्या अंतर है, कोष प्रवाह विवरण आय विवरण में क्या अंतर है, कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या अंतर है, इनसे संबंधित टिप्पणी के रूप में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम इनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की क्लासों में बताया कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट में कोष का प्रवाह कब होता है, आज इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जैसा कि आप जानते भी हैं कि कोष प्रवाह विवरण क्या है और बैलेंस शीट क्या है, ये आपने पूर्व की क्लास में खूब पढ़ा है। इसी क्रम में हम आगे इसको लेके जाएं कि कोष प्रवाह विवरण और बैलेंस शीट की हम थोड़ी चर्चा करें कि प्रत्येक स्थिति विवरण किसी एक निश्चित तिथि पर संस्था के कोषों के स्रोतों एवं उपयोगों का विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि स्थिति विवरण लायबिलिटी साइड कोषों के स्रोतों का बोध कराता है, जबकि संपत्ति पक्ष कोषों के उपयोग का बोध कराता है, लेकिन व्यवसाय के प्रबंधक व्यवसाय की स्थिति में रुचि नहीं रखते हैं, वे व्यवसाय की गतिशील स्थिति को ही महत्व देते हैं। अतः दोनों की स्थिति विवरणों के बीच के समय में स्थिति विवरण के मदों में होने वाले परिवर्तनों का प्रबंधक अध्ययन करना चाहते हैं। इनका आभास भी दो स्थिति विवरणों की विभिन्न मदों का अंतर निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब तथ्य जो कोष प्रवाह विवरण में सम्मिलित होते हैं और तुलनात्मक स्थिति विवरण में भी मौजूद होते हैं, किंतु इन्हें स्पष्ट एवं सरलतापूर्ण समझने के लिए अलग अलग तरीके से कोष प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक है, अलग अलग तरीके से इन विवरणों के उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए हम संक्षेप में आज कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण की चर्चा करेंगे। कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण जब हम की अंतर का हम अध्ययन करेंगे तो एक निर्धारित प्रारूप, निर्धारित टेबल में आप इसको बनाइए, जिससे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी 6 मार्क्स आ सकें। उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपने को करना है, जिसमें पहला पॉइंट लगाएंगे अपन अंतर का आधार, कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण। अंतर के आधार में प्रथम बात करें उद्देश्य की, कि कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण का क्या उद्देश्य है। कोष प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य कोषों के स्रोत एवं उनके उपयोगियों की जानकारी होती है। अब कोष प्रवाह विवरण जब तैयार करते हैं, सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड्स की, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की जानकारी हमें होती है, जबकि स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को किसी संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। दूसरे बात करें हम विषय सामग्री की, कि कोष प्रवाह विवरण की विषय सामग्री लगातार 2 वर्षों के स्थिति विवरण होते हैं। इसमें 2 वर्ष की बैलेंस शीट का विवरण होता है, और स्थिति विवरण में विषय सामग्री में खाता बही के वास्तविक एवं व्यक्तिगत खातों के शेष होते हैं। इसमें खाता बही की वास्तविक एवं व्यक्तिगत खातों के शेष होते हैं। तीसरी हम बात करें अंतर के आधार में
तीसरी हम बात करें प्रकृति की, कोष प्रवाह विवरण की प्रकृति गतिशील प्रकृति होती है क्योंकि ये दोनों तिथियों के बीच व्यवसाय की कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के कोषों के स्रोत एवं उपयोगों के रूप में दर्शाता है, और जबकि ये स्थिर प्रकृति का होता है क्योंकि यह एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का चित्रण भी करता है। ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, क्योंकि गतिशील है ये स्थिर प्रकृति का होता है। चौथे पॉइंट की बात करें उपयोगकर्ता, यह प्रबंध द्वारा आंतरिक वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त किया जाता है। कोष प्रवाह विवरण जबकि स्थिति विवरण, यह प्रबंध के साथ साथ बाह्य पक्षों जैसे अंशधारियों, लेनदारों, सरकार इत्यादि के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। पांचवें अंतर की बात करें वैधानिक अनिवार्यता, कोष प्रवाह विवरण तैयार करना प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है जबकि स्थिति विवरण तैयार करना एक वैधानिक अनिवार्यता है। पांचवें बिंदु की बात करें उपयोगिता की, कोष प्रवाह विवरण एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, अतः प्रबंध के निर्णय इसमें बहुत ही उपयोगी हैं। स्थिति विवरण में एक निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी है। सातवें पॉइंट की बात करें चालू संपत्तियों चालू दायित्वों के व्यवहार की, कि कोष प्रवाह विवरण में चालू संपत्तियों चालू दायित्वों का कार्यशील पूंजी में कमी और वृद्धि का पता लगाया जाता है जबकि स्थिति विवरण में चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों को मदानुसार प्रदर्शित भी किया जाता है। आगे बात करेंगे अपन धनराशि की, कोष प्रवाह विवरण में क्रियाशील लाभों को कोष का स्रोत तथा लाभांश के भुगतान को कोषों का उपयोग माना जाता है जबकि स्थिति विवरण में प्रतिधारित अर्जनों को देयता पक्ष में कोषों के स्रोत के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हमने कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण की हमने चर्चा की। आगे हम इसी क्रम में कोष प्रवाह विवरण और आय विवरण में क्या अंतर है इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। जैसा कि आप कोष प्रवाह विवरण के बारे में मैंने बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया, इसी में ही वही क्रम अंतर का आधार कोष प्रवाह विवरण और आय विवरण। प्रथम बिंदु है उद्देश्य, कोष प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य कोषों के स्रोत एवं उनके उपयोगों की जानकारी प्राप्त करना होता है जबकि आय विवरण बनाने का उद्देश्य निश्चित अवधि में व्यवसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी प्राप्त होती है, इसमें कोषों का स्रोत और उपयोग की जानकारी होती है। दूसरे पॉइंट बिंदु की बात करें विषय सामग्री की, कोष प्रवाह विवरण की विषय सामग्री या आधार लगातार 2 वर्षों की स्थिति विवरण होते हैं और आय विवरण की विषय सामग्री बही के नाम से नाम मात्र खाते होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के आधार पर आय विवरण को ज्ञात किया जाता है। कोष प्रवाह विवरण में लगातार 2 वर्ष की बैलेंस शीट लेते हैं और इसमें नॉमिनल अकाउंट्स के जो भी खाते हैं नाम मात्र के खाते उनको लिए जाते हैं। आगे उपयोगकर्ता, कोष प्रवाह विवरण यह प्रबंधक द्वारा आंतरिक वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त होता है जबकि आय विवरण में प्रबंध के साथ साथ अन्य बाह्य पक्षों जैसे अंशधारी, लेनदार, सरकार इत्यादि द्वारा उपयोग में लिया जाता है। तो कोष प्रवाह विवरण में आंतरिक वित्तीय प्रबंध द्वारा प्रयुक्त होता है और इसमें प्रबंध के साथ साथ अन्य बाह्य पक्ष जैसे अंशधारी, लेनदार, सरकार का उपयोग होता है आय विवरण के अंतर्गत।
चौथे बिंदु की बात करें, वैधानिक अनिवार्यता, लीगल कंपल्सरी। कोष प्रवाह विवरण तैयार करना एक प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है। ये इच्छित है, डिजायरेबल है, प्रबंध चाहिए तो इसको तैयार कर सकता है, नहीं आवश्यक भी नहीं है। जबकि आय विवरण तैयार करना एक वैधानिक अनिवार्यता है, इसको लीगल रूप से तैयार किया जाता है। तो इसमें बाउंड नहीं है, कोष प्रवाह विवरण आप बनाओ या न बनाओ यह प्रबंध की इच्छा पर है। इसको लीगल रूप से वैधानिक तरीके से आय विवरण को हमें बनाना होता है। पांचवें बिंदु की बात करें कि कोष प्रवाह विवरण आय विवरण तैयार करने में सहायक नहीं होता है, क्योंकि कोष प्रवाह विवरण और आय विवरण में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इसके आधार पर तैयार अपन इसको नहीं कर सकते। जबकि आय विवरण कोष प्रवाह विवरण तैयार करने में सहायक होता है, क्योंकि परिचालन कोषों की जानकारी की गणना उसी के आधार पर की जाती है। तो आय विवरण में कोष प्रवाह विवरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में आय विवरण की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो इसलिए यह आय विवरण तैयार करने में सहायक नहीं हो पाता है। छठे बिंदु में प्रयुक्त समंकों के प्रकार। जब कोष प्रवाह विवरण व्यावसायिक क्रियाओं के या व्यावसायिक क्रियाओं से उपलब्ध कोषों के साथ साथ अन्य स्रोतों या अंश पूंजी के निर्गमन, स्थायी संपत्ति के विक्रय इत्यादि से उपलब्ध कोषों को ध्यान में रखता है, क्योंकि व्यवसायिक क्रिया में होने वाली गतिविधियों में कौन से स्रोत से या अंश पूंजी के निर्गमन से या स्थायी पूंजी के विक्रय से कोषों का उपयोग हुआ है, कहाँ से मदों से कोष फंड प्राप्त हुआ है, तो उनका ध्यान रखा जाता है। जबकि आय विवरण में केवल व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित व्यवहारों का ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः व्यवहार होते हैं कि पूरे दिन में या उन व्यवहारों में मुख्यतः नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते के आधार पे अपन आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण और आय विवरण में हमने अंतर के बारे में पढ़ा, और अगला कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण के बारे में भी हमने सारगर्भित तरीके से अध्ययन किया, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम आज हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या मुख्य अंतर हैं उनका हमने विस्तृत तरीके से अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से टिप्पणी के रूप में अधिकतर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं। अगले वीडियो में इसी थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात करें तो आज अपन अध्ययन करेंगे कि कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर आपके एग्ज़ाम में रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर पूछते हैं। तो हम आगे इसी क्रम में रोकड़ प्रवाह विवरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत रोकड़ विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें रोकड़ में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ के आधार पर इनको तैयार भी करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को शामिल करके रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत परिचालन से आए, बिक्री खरीद से संबंधित, देनदारों से कलेक्शन से संबंधित एक्टिविटी आती हैं। इन्वेस्टिंग में मुख्यतया संपत्तियों के क्रय विक्रय, स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय के आधार पर इनको एनालिसिस करते हैं। तो हम इस प्रकार से आसानी से इनके
अध्ययन के रूप में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।